पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह यादव के मार्गदर्शन में थाना कराही पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी दीपक यादव द्वारा पुलिस कप्तान के आदेशानुसार बड़वा मंडलेश्वर रोड पेट्रोल पंप के पास ग्राम कतरगांव में सघन वाहन चेकिंग के लिए थाना पुलिस टीम को लगाया गया था, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल पलटाकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा बड़वा सनावत मोरटक्का बलवाड़ा करही महेश्वर से मोटरसाइकिल चोरी कर अन्य साथियों को कम दाम पर बेचना बताया, साथ ही कुछ मोटरसाइकिलें अपने घर के पास छुपा कर रखना बताया। आरोपियों के कब्जे से कुल 17 मोटरसाइकिल एवं 5 मोटरसाइकिलों के इंजन कुल कीमत 9 लाख रुपए का पुलिस द्वारा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सर, ये जो अभी करई में जो मोटरसाइकिल चोरी की पकड़ी है, क्या मामला है सर? हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संपत्ति संबंधित अपराधियों की इसी तारतम्य में वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर एक केला आसाम का व्यक्ति मिला, जिसे रोका गया। वो मोटरसाइकिल को चेक करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। इसमें उसे थाने लगकर विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिससे कुल टोटल 5 आरोपियों से 17 चोरी की मोटरसाइकिल और 5 मोटरसाइकिलों का इंजन पुलिस ने जब्त किया। सर, इन चोटों की तो तरीका वारदात क्या रहती चोरी करने की? जो इसमें मुख्य रूप से कैलाश जो है मोटरसाइकिल चोरी का काम करता है, इसका तरीका वारदात यह रहता है कि ये ग्रामीण इलाकों में रात्रि के समय जाता है, क्योंकि अमूमन ग्रामीण वाले के लोग जो रहते हैं वो मोटरसाइकिलें घर के बाहर रखते हैं, तो ऐसी मोटरसाइकिलें जिनमें हैंडल लॉक नहीं रहता है उन्हें डायरेक्ट करके स्टार्ट करके कैलाश जो आरोपी है वो चोरी करके ले जाता है, अपने अन्य साथियों को बेचने के लिए ले जाता है। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।